क्या आपको ग्रेड फोर बॉल्डनेस है? हेयर फॉल और हेयर लॉस की वजह से यहाँ तक बाल चले गए हैं और आपने बहुत सारी कंसल्टेशंस करी है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, फुल आंसर नहीं मिले हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक करनी चाहिए या अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग्स क्या आती हैं, आपके लिए क्या बेटर है? अगर ये सवाल आपके हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। सो ग्रेड फोर जो होता है वो लगभग लगभग क्राउन एरिया से थोड़ा सा शॉर्ट में तक होता है और इजीली, बहुत इजीली इतने एरिया को यहां से यहां तक को हम लोग सिंगल स्टेज में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कौन सी टेक्निक। नाउ टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं है, हम FUE करें चाहे FUT करें, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि कौन सी टेक्निक से बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट सेम आएगा। नाउ जो मैटर करती है चीजें वो ये है कि डेंसिटी कैसी है हमारी डोनर एरिया में। अगर डेंसिटी कम है तो मैं स्ट्रिप प्रेफर करूंगा, डेंसिटी ठीक है तो एक्सट्रैक्शन। सफेद बाल है तो एक्सट्रैक्शन, और बहुत ज्यादा कर्ली बाल है तो स्ट्रिप। अगर फ्यूचर में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये एरिया भी जा सकता है, मोर हेयर फॉल हो सकता है फ्यूचर में डिपेंडिंग के फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रिप करूं ना। बहुत लोग डरते हैं कि स्ट्रिप में कट लगेगा या स्टिच आएंगे, निशान आएगा या पेन होगा, कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो स्कार है वो ना बराबर आता है, स्कार FUE का हो चाहे FUT का, नजर दोनों आते हैं। सेकेंडली पेन वाइज दोनों सेम है, 1 to 1.5 days ऑफ पेन किलर्स। कोई भी ब्रेन रिलेटेड या लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं पेशेंट्स को कि जब आप किसी को कंसल्ट करें, देन यू शुड नो कि आपको ऐसे सेंटर से ट्रांसप्लांट करना चाहिए जहां पे हर तरीके की टेक्निक होती हो, FUE भी होती हो, FUT भी होती हो, रोबोटिक भी होती हो, लॉन्ग हेयर भी होती हो, तो आपको जो डॉक्टर है वो एक बैलेंस्ड ओपिनियन दे सकते हैं। नॉर्मली करीब करीब 5000 बालों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कभी कभी 6, 5.5, डिपेंडिंग किस तरह की डेंसिटी चाहिए। अगर सपोज किसी को डिजाइनर हेयरलाइन बनानी है तो और ज्यादा बाल लग जाते हैं, सो टेक्निक में कोई फर्क नहीं आता। सो ये था अबाउट ग्रेड फोर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि हम बहुत हाई डेंसिटी दे पाते हैं। फ्रंट का एरिया है बिल्कुल, आप समझ लीजिए A1 रिजल्ट आता है। मेंटेनेंस के लिए आपको ट्रांसप्लांट की मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, ट्रांसप्लांटेड बाल तो ग्रो करेंगे। PRP करते रहिए तो एग्जिस्टिंग बालों का काफी इंप्रूवमेंट रहता है। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आपके चैनल पे भी आप देख रहे होंगे एक रेड बेल बनी होती है, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपको फ्यूचर मेरे चैनल्स जैसे जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। वंस अगेन मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट 100% रिजल्ट दूंगा।